हेलो एंड वेलकम टू मे आई हेल्प यू, जहां पे मैं आपकी होस्ट जीनल आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कुछ नए प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स नए सॉल्यूशन के साथ। आज भी हम आपको एक और नए पेन फिलर के बारे में ही बताएंगे, जिसके नाम में इसकी पहचान छुपी है। इस पेन फिलर का नाम है रस्ट डिसकलरेशन। अब आप गेस कीजिए इसकी पहचान। यस, एग्जैक्टली, इसके नाम की तरह एग्जैक्टली इसमें भी रस्ट कलर के रेडिश ब्राउन या ब्लैक धब्बे पेंट की सरफेस पे पड़ जाते हैं। इसमें भी मिल्ड्यू की तरह दीवारों पर धब्बे आ जाते हैं, लेकिन ये मिल्ड्यू से थोड़ा कम भद्दा दिखता है। ये दिखने में जंक से मिलता जुलता है, और हाँ, ये एक्चुअली जंक की वजह से ही शुरू होता है। इनफैक्ट ये स्टेनलेस स्टील के कील की वजह, अगर हम एंटी कोरोजन कील यूज करें ना तो भी ये हो जाता है, या फिर स्टील का कील अगर हवा के कांटेक्ट में आ गया हो तो भी ये प्रॉब्लम अपनी जगह ले लेती है। कभी कभी एक्सेसिव वेदरिंग या सैंडिंग की वजह से भी स्किल के ऊपर जंग जमा हो जाती है और फिर वो फैलने लगती है। गीली लकड़ियों में से जब टैनिक एसिड जैसी चीज़ें निकलती है और वो जब कील के संपर्क में आती है तो भी ये काला दाग बना देती है। आपको पता है इसका सोल्यूशन भी इसके कारणों में ही छुपा है। अगर हम स्टील के कील की बजाय ग्लैविनाइज या फिर स्टेनलेस स्टील की कील यूज करें तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और अगर आप चेंज ना कर पाए तो रस्ट हटाकर नेल हेड के पैचेस की फिलिंग कर देनी चाहिए और उसके ऊपर हाई क्वालिटी की पेंट कर देनी चाहिए। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पेंट करने से पहले प्राइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम एंड आज का सोल्यूशन। मैं अगली बार के नए प्रॉब्लम और नए सोल्यूशन के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, एंड आपके कोई भी फीडबैक, सोल्यूशन या कोई भी क्वेरीज हो वो आप हमें स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर भेज सकते हैं। गुड बाय एंड हैप्पी होम्स।